हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मॉड्यूल नंबर जो 3 है उसका चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन। ओके, पहले तो कैपिटल रिडक्शन है क्या? यस, कैपिटल रिडक्शन इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ द अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। जो हम आपने सेम 1 में अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल आपने जो सीखा था, उसका ही दूसरा टाइप है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन कंपनी जब चाहे तब नहीं कर सकती, क्योंकि कैपिटल के ऊपर बाकी के जो सारे हमारे लायबिलिटीज़ हैं, जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, उन सारे को क्या होता है, भरोसा होता है कि अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो वो कैपिटल में से उनको क्या हो जाएगा, उनकी जो लायबिलिटी है वो पेमेंट हो जाएगी। अगर अब जो कंपनी है वो अपनी कैपिटल रिड्यूस करने के बारे में सोचती है, रिडक्शन यानी रिड्यूस करना, अगर जब कंपनी अपनी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको रिड्यूस करने के बारे में सोचती है, तो वो अपने आप डिसीजन लेके ये रिड्यूस नहीं कर सकती। उनको क्या करना होता है, पहले ये जो सारे लायबिलिटी होल्डर्स है उनकी परमिशन लेनी होती है, और फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या जो कंपनी टेबल ए बनाती है, उनमें ये डिटेल्स होनी चाहिए कि अगर कंपनी को ज़रूरत हुई तो वो अपनी कैपिटल रिड्यूस कर सकती है। और इसके लिए उनको क्या होना, उनको लायबिलिटी होल्डर्स के पास से ये कंफर्म करवाना होता है कि यस वो क्या कर सकते हैं, कैपिटल अपनी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल रिड्यूस करना उनके लिए क्या हो गया है, ज़रूरी हो गया है। ओके, तो कैपिटल रिडक्शन के लिए 3 टाइप है, 3 तरीके से हम कैपिटल रिडक्शन कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कैपिटल रिडक्शन यानी रिड्यूस करने की हमें ज़रूरत कब होती है, रीजंस फॉर द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने यहाँ 6 आपको दिए हैं कि आप क्या कौन कौन रीजंस है, कौन कौन से रीजंस है जिससे आपको कैपिटल रिड्यूस करने की नौबत आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू द हैवी लॉस इन बिजनेस और ड्यू टू द हैवी डेप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ इट्स असेट, यानी जब कंपनी में लॉस का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। यस, एक साल लॉस हो तो वो कोई बात नहीं, सालों साल उनको क्या होती रहती है, लॉस होती रहती है, तब कंपनी को क्या करना होता है, अपनी कैपिटल रिड्यूस करनी होती है। When a large amount of loss is accumulated and the company wants to write off from the books, यानी उनके पास loss बहुत सारी जमा हो गई है, अब वो loss को क्या करना है, उनको write off करना है, तब company क्या करेगी, capital reduce करेगी और अपनी जो loss है वो क्या करेगी, write off कर देगी। कभी कभार क्या होता है, company में जो goodwill है वो बहुत ज़्यादा price से दिखा दी गई है, या उनके पास इतना depreciation assets के ऊपर write off नहीं किया है। When the paid up capital of the company is in excess of its requirement, यानी कई बार क्या होता है, कंपनी के पास ज़्यादा कैपिटल है, उनको ज़रूरत है, उनसे ज़्यादा उनके पास जब कैपिटल है, तो भी कंपनी ये डिसीजन ले सकती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है तो हम अपनी कैपिटल क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। When the existing paid up capital is enough, then the liability on the partly paid shares may be reduced or cancelled, यानी तब कंपनी के पास ज़्यादा कैपिटल होती है तो वो कंपनी क्या कर सकती है, अपने कैपिटल रिड्यूस कर सकती है। व्हेन द शेयर्स आर फोरफीटेड, जो हमें पता है, हम जब कोई भी शेयर होल्डर है वो अपनी शेयर की अमाउंट पेमेंट नहीं करता तो हम क्या करते हैं, उसके शेयर्स फोरफीट यानी गुजराती में उसको क्या बोलते हैं, जब्त कर लेते हैं। यस, तो फोरफीटेड की जब नौबत आती है तभी भी हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो तब हमें लायबिलिटी होल्डर्स के पास से तो कंफर्मेशन लेना ही, साथ ही साथ हमें कोर्ट में से भी क्या करना होगा, एक सर्कुलर अपना जो कंपनी में सर्कुलर है वो पास करना होगा, और फिर वो हमें कोर्ट में प्रूव करना होगा कि इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो कैपिटल है वो रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ कैपिटल रिड्यूस करने के बारे में जो मैथड्स दी गई है, वो मैथड्स में आपको 2 मेन मेथड दी गई है। फर्स्ट आपको दी गई है कैंसलिंग इट्स शेयर्स विच आर नॉट सब्सक्राइब्ड, और सेकंड है रिड्यूसिंग सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 2 टाइप की आप क्या कर सकते हो, कैपिटल रिड्यूस कर सकते हो। पहले आपको जो बोला है, आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, यानी आपकी जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि आपके पास ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच,
ओके, 10 लाख इक्विटी शेयर्स में से आपने हैं वो 4 लाख इक्विटी शेयर्स वो क्या कर दिए हैं, इश्यू कर दिए हैं, यानी आपने 4 लाख इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब कर दिए हैं। अब आपकी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में से 4 लाख है वो सब्सक्राइब हो गई है, आपने क्या कर दिया, इश्यू कर दिए है, तो यानी 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, अनसब्सक्राइब्ड, यानी अभी तक आपने उनको इश्यू ही नहीं किया है। जब आपने उन्हें इश्यू ही नहीं किया है और आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं, अब हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये 6 लाख इक्विटी शेयर्स है वो हमें इश्यू नहीं करने पड़ेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसको आप कैंसिल कर सकते हो। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है आपने सब्सक्राइब ही नहीं की है तो इसमें लायबिलिटी होल्डर्स का कोई पार्ट नहीं है, तो आप ये आसानी से कर सकते हो, आपको किसी से भी परमिशन लेने की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यस, तो जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में से जितना पार्ट आपने सब्सक्राइब कर लिया है और जो बाकी का पार्ट बचा है जो आपने इश्यू ही नहीं किया है, एक तरीके से आप ऐसे अपनी जो शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा जो पार्ट आता है, आपकी जो शेयर कैपिटल है वो क्या है, सब्सक्राइब्ड हो गई है, यानी आपने इश्यू कर दी है, इश्यू कर दी है, तो आपको क्या है उसमें सारे के सारे जो लायबिलिटी होल्डर्स हैं उनकी क्या होगी, उसमें बेनिफिट उनका वहाँ होगा, क्योंकि अगर कंपनी कभी भी बंद हो जाए तो वो शेयर कैपिटल में से ही उनको क्या होगा, पेमेंट होगा। ओके, तो उसमें भी दो टाइप्स है, सब्सक्राइब कैपिटल में भी दो टाइप्स है, एक जो है अनकोल्ड अमाउंट है, आप जो अनकोल्ड अमाउंट है वो क्या कर देते हो, अब बोल देते हो कि आपको ज़रूरत नहीं है पेमेंट के लिए। फॉर एन एग्जांपल, आपका जो है 10 रुपीज़ का इक्विटी शेयर है, उसमें से आपने अभी तक 8 रुपीज़ है वो कोल्ड अप कर लिए, यानी 8 रुपीज़ आपने मंगवा लिए हैं, बाकी के जो 2 रुपीज़ है अब कंपनी को ऐसा लगता है कि उनके पास इनफ फंड है, उनको अब कोई भी ज़रूरत नहीं है कैपिटल की, तो वो क्या कर सकती है, 2 रुपये की जो कैपिटल है वो शेयर होल्डर को बोल देगी कि अब आपको 2 रुपीज़ है वो पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, जब अनकोल्ड अमाउंट है यानी आपने अमाउंट मंगवा ही नहीं है और आप बोल रहे हो कि आपको क्या है, ज़रूरत नहीं है पेमेंट की, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो गई, कैपिटल है वो रिड्यूस्ड हो गई। पहले आपका एक शेयर 10 रुपीज़ का था, अब आपका एक शेयर कितने का हो गया, 8 रुपीज़ का हो गया है, यहाँ 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर क्या हो गया है, रिड्यूज़ हो गया है। तो दूसरी ये जो मेथड है उसको हम बोलते हैं कैंसलिंग अनकोल्ड अमाउंट, यानी जो अमाउंट आपने मंगवाई ही नहीं है उसको आप अब मंगवाओगे भी नहीं, आपने क्या बोल दिया है, अब आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यस, तो दूसरी ये मेथड हुई कैंसलिंग अनकोल्ड अमाउंट, उसमें भी ज़्यादातर कोई दिक्कत नहीं होती है। जो तीसरी मेथड है, राइटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पेड अप कैपिटल, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होता है, इसमें सारी कन्फर्मेशन लेनी होती है और उसके बाद ही कंपनी क्या कर सकती है, ये जो पेड अप कैपिटल है उसको रिड्यूस कर सकती है। यस, अब पेड अप कैपिटल यानी 10 रुपये का इक्विटी शेयर है, 10 से 10 रुपये आपने क्या करवा लिए, मंगवा लिए हैं, और अब आपके बिजनेस में लॉस इतना बढ़ गया है या फिर आपने जो असेट्स बताइए वो सारी असेट्स ओवर वैल्यूड है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी साउंड दिख रही है पर एक्चुअली आपकी कंपनी साउंड नहीं है, तब जाके कंपनी क्या करती है, जो सारी लॉस है वो लॉस को राइट ऑफ करने के लिए अपनी जो कैपिटल है वो रिड्यूस करती है। बहुत कम ऐसा होता है पर जब ज़रूरत होती है तब कंपनी अपनी कैपिटल है वो रिड्यूस कर सकती है। ओके, तो इसमें जो है वो आपको सारे जो सम्स आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये थर्ड मेथड के ही आएंगे, क्योंकि फर्स्ट मेथड के इतने सारे सम्स नहीं है, सेकंड के थोड़े आएंगे, ज़्यादातर आपको आएंगे थर्ड मेथड के, यानी आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसको आप रिड्यूस कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको ये सारे सम्स करने होंगे। यस, तब आपको क्या होगा, आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ज़्यादातर हम कहाँ लायबिलिटी साइड जो प्रॉफिट होता है वो दिखाते हैं और जो असेट साइड होता है वो हमारी क्या होती है, लॉस होती है। तो जब कंपनी में ये सारी लॉस बढ़ जाती है तब कंपनी ऐसा डिसीजन लेती है कि वो सारी लॉस उनको क्या करनी है, राइट ऑफ करनी है, और वो क्या करेंगी, उसके लिए अपनी जो शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस कर देंगे। ओके, तो ये जो सारे रीजंस है उसकी वजह से क्या करती है कंपनी, शेयर कैपिटल अपनी रिड्यूस करती है। तो मैंने आपको जो जर्नल एंट्रीज के फ़ोटोज़ भेजे थे वो हम देख लेते हैं पहले, कि आप जर्नल एंट्रीज यहाँ मेन आपको सम में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज ही बनानी है। जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद आपको कंपनी की नई बैलेंस शीट बनानी होगी, जिन लोगों के पास पुरानी टेक्स्ट बुक होगी उनमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म दिया होगा, पर आपको याद रखना है अब कहीं भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है, आपको
वर्टिकल फॉर्मेट में ही बैलेंस शीट बनानी है और उसी में आप अपना फॉर्मेट दिखाएंगे। ओके, तो जिसके पास पुरानी बुक है उसमें हॉरिजॉन्टल है तो आप हॉरिजॉन्टल की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप वर्टिकल की ही प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने आपको बिजनेस परचेस के टाइम पे सिखाई थी वही। तो अब हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं कि कौन से जब मेथड होगी तब हम कौन सी जर्नल एंट्री करेंगे। फर्स्ट जो मैंने लिखी है, कैंसिलेशन ऑफ अनकोल्ड कैपिटल, यानी जो हमने अमाउंट मंगवाई ही नहीं है उसके ऊपर अगर सम है तो आप कैसे एंट्री करोगे। तो फर्स्ट आप एंट्री करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से, फेस वैल्यू से, यानी अगर 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू अगर शेयर की है तो आप 100 रुपीज़ क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और आप कितने तक रिड्यूस कर रहे हो, अब आपकी शेयर कैपिटल कितने की हो गई है, 70 रुपीज़ की हो गई है, यानी 30 रुपीज़ आपने जो नहीं मंगवाए थे वो आपने कैंसिल कर दिए, तो आप क्रेडिट करोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट यानी पेड अप कैपिटल। अगर 70 की पेड अप कैपिटल है तो 70, 80 होगी तो 80, यानी जितनी पेड अप कैपिटल है वो आप क्रेडिट कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी पुरानी शेयर कैपिटल है वो डेबिट हो गई, वो कम हो गई है और अब वो किस में कन्वर्ट हो गई है, सिर्फ पेड अप कैपिटल है, उतनी ही आपकी कैपिटल अब बैलेंस शीट में दिखेगी। ठीक है, दिस वन इज़ द वेरी सिंपल मेथड। सेकेंड वन इज़ अ रिटर्न ऑफ कैपिटल, अब आप क्या कर रहे हो, शेयर होल्डर को अमाउंट वापस कर रहे हो। आपके पास ज़्यादा अमाउंट हो गई है तो आप क्या कर रहे हो कि शेयर होल्डर को वापस कर रहे हो अमाउंट, जैसे कि आगे आपको बोला कि अगर आपके पास क्या है, इनफ अमाउंट है तो आपको आप क्या कर रहे हो, जो आपने अमाउंट सब मंगवा ली है उसमें से थोड़ी जो अमाउंट है वो आप क्या कर रहे हो, उनको रिटर्न कर रहे हो। तो रिटर्न करने के लिए अगर बोला जाए तो आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, अब वो हमारी कैपिटल नहीं, इतनी कैपिटल हमारी कम हो जाएगी, तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। टू, ये अमाउंट हमें देनी किसको है, शेयर होल्डर को, जैसे हम डिबेंचर में करते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करते हैं तब हम क्या करते हैं, डिबेंचर डेबिट करते हैं और डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी हमें यही करना है, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे और शेयर होल्डर को क्रेडिट कर देंगे। अब बारी आएगी पेमेंट की, तो हम शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, बैंक से हम उनको पेमेंट करेंगे। ये क्या है, जब हम अमाउंट रिटर्न कर रहे हैं शेयर होल्डर को, उन्होंने अमाउंट पूरी पेमेंट कर दिए पर अब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ज़रूरत ही नहीं है इतनी सारी कैपिटल की, तो ये कैपिटल हम रिटर्न कर सकते हैं, तब ये रिटर्न करेंगे तो ये एंट्री होगी। उसके बाद जो आएगा वो है रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल। रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, जैसे हमारा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है यही कि लॉस ज़्यादा बढ़ गई है या ऐसा लग रहा है हमारी जो असेट्स है वो ओवर वैल्यूएशन बता रही है, तब हम कैपिटल में क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। यहाँ रिटर्न है, यहाँ रिड्यूस है। अब जब आप रिड्यूस कर रहे हो तो आप करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितनी अमाउंट आप रिड्यूस करोगे उतनी। टू, यहाँ आप एक अलग से अकाउंट बनाओगे, उसको बोलोगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसा अकाउंट है, जो आप कैपिटल रिड्यूस करने के रिलेटेड जितने भी एंट्रीज़ करोगे वो सारी एंट्रीज अब कहाँ जाएगी, रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो यहाँ इंपॉर्टेंट अकाउंट कौन बन जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसके बाद आप कैपिटल रिडक्शन की जो अमाउंट है, ये आपने जो कैपिटल रिड्यूस कर दी, वो रिड्यूस अमाउंट आप कहाँ यूज़ करोगे, क्यों आपने ये सारी कैपिटल रिड्यूस की है, तो यहाँ जो आपने क्रेडिट किया है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आप डेबिट करोगे, और कहाँ कहाँ आप ये यूज़ कर रहे हो वो आएगा। पीएनएल की लॉस है वो लॉस राइट ऑफ कर रहे हो तो लॉस डेबिट होती है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कैपिटल रिड्यूस करके हमने क्या किया, ये लॉस है वो राइट ऑफ कर दी। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो सारी इंटेंजिबल असेट्स है जैसे कि गुडविल है, कॉपीराइट है, पैटेंट है, वो ओवर वैल्यू हो गई है तो उसकी वैल्यू भी हम राइट ऑफ करेंगे तो इंटेंजिबल असेट्स क्रेडिट कर देंगे। आपको पता ही है असेट्स की वैल्यू ऑलवेज़ क्या होती है, डेबिट होती है। यहाँ हमने कैपिटल रिड्यूस ही इसलिए की है ताकि जो सारी असेट्स की वैल्यू ज़्यादा है वो कम हो जाए, हमें कम करनी है इस वजह से, तो वो सारी असेट्स हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल रिड्यूस हो गई और असेट्स की वैल्यू भी रिड्यूस हो गई। और अदर कोई असेट्स है, प्लांट है, मशीनरी है, वो आपको एडजस्टमेंट में बोलेंगे, उस हिसाब से आपको उनकी वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है। सो रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल में बेसिकली दो ही एंट्री होती है, ये दोनों, पर आपको क्या करेंगे, एडजस्टमेंट में और अलग अलग तरीके से कुछ चीज़ें दी गई होगी जो कैपिटल रिडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट स्पेशल एंट्रीज आपको पास करनी होगी जनरल एंट्रीज। क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले फॉर यूटिलाइजिंग अ शेयर प्रीमियम फॉर कैपिटल रिडक्शन,
हम क्या कर सकते हैं कैपिटल रिडक्शन के लिए, जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास पड़ा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम हम यूज़ कर सकते हैं। आपको बोला होगा कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करना है तो ही आप यह एंट्री करोगे। ओके, तो आप क्या लिखोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी क्या है? रिजर्व है, वो क्रेडिट होती है। अब हम उसको यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट। अब डेबिट करेंगे तो यूज़ कहाँ करना है? कैपिटल रिडक्शन के लिए, तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, उसके बाद कई बार क्या होता है, हम जो सारे हैं वो डिबेंचर के लिए इंटरेस्ट देते हैं, तो हम डिबेंचर होल्डर को बात करते हैं कि भाई अब हमारी जो कंपनी की अभी कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉस हो गई है, तो आप क्या करो, आपका जो इंटरेस्ट है वो आप क्या कर दो, जाने दो। मतलब कि इस साल आप यहाँ हमारे वहाँ से क्या करो, जो लायबिलिटी है वो मत लो, ठीक है? तो डिबेंचर होल्डर अगर एग्री हो जाते हैं तो वो डिबेंचर होल्डर जो हमारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अब क्या हो जाएगी? नहीं होगी। वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। अगर बोलेंगे तो ही करना है, हमें ज़्यादातर अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है। वो हमें सारे एडजस्टमेंट में बोलेंगे कि आपको ये करना है, ये करना है, उसी हिसाब से आप एंट्री पास करोगे। ओके, तो जब डिबेंचर होल्डर रेडी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हम अपनी जो लायबिलिटी है वो क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं, इस बार हम आपसे इंटरेस्ट के अमाउंट नहीं लेंगे, तो वो हमारी जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। आपको पता है लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट होती है। उसको अब राइट ऑफ करना है तो हम कर देंगे डेबिट, तो वो कहाँ जाएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहाँ द हीरो ऑफ द चैप्टर कौन है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, उसको ही आपको याद रखना है। जो भी कोई आप अलग से एंट्री पास कर रहे हो, वो सारी एंट्री आपको कहाँ पास करनी है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ही पास करनी है। जैसे अगला जो आपने हमने चैप्टर किया डिबेंचर रिडक्शन वाला, वहाँ कौन था किंग ऑफ द चैप्टर? रिडक्शन फंड था। यस, डिबेंचर रिडक्शन फंड अकाउंट था। कोई भी जो एक्स्ट्रा एंट्री आती थी वो हम वो फंड में लेके जाते थे। तो इस चैप्टर में यहाँ हीरो ऑफ द चैप्टर कौन है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है। उसके बाद कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमने डिबेंचर होल्डर को मना लिया, वैसे ही हम कई बार क्रेडिटर्स को एग्री कर लेते हैं कि आप क्या करो, आपका जो पार्ट है वो फॉरगो कर दो, यानी भूल जाओ, इतनी अब अमाउंट आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। और क्रेडिटर्स कई बार क्या हो जाते हैं, कन्वे भी हो जाते हैं, एग्री भी हो जाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है चलो नहीं लेंगे आपके पास से। वो सारी बात कंपनी पर डिपेंड करती है कि कंपनी वो अपनी है वो किस तरह से सबको बताती है और किस तरह से उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उस हिसाब से ये सारे होता है। सो क्रेडिटर भी ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। अब वो क्रेडिटर हमारे नहीं रहेंगे, उसको हमें पेमेंट नहीं करना है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है? उसके बाद आती है प्रेफरेंस शेयर के बारे में, फॉर द कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ओके, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में क्या होता है? वो हमारी लायबिलिटी नहीं है। क्यों लायबिलिटी नहीं है? क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है। आपने प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रेफरेंस शेयर अगर सिंपल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो वहाँ अगर हमें प्रॉफिट नहीं होता तो हम उनको नहीं देते। तो अगर आपको ऐसा बोलता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड कैंसिल करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड अब हमें नहीं देना है, तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी ही नहीं है। अगर लायबिलिटी होती तो उसे हम रिड्यूस करने के लिए एंट्री पास करते, पर प्रेफरेंस शेयर हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ओके, सो डिविडेंड वो हमारी लायबिलिटी नहीं है, तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। बट अगर आपको ऐसे बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को 50,000 पेमेंट करना था, पर कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है, तो आप सिर्फ 20,000 ही क्या करोगे? पेमेंट करोगे। ओके, डिविडेंड की लायबिलिटी 50,000 है, पर आपको पेमेंट कितना करना है? सिर्फ 20,000 पेमेंट करना है। अगर पेमेंट करना है तो हम यहाँ एंट्री पास करेंगे। सो कौन सी एंट्री हम पास करेंगे? पहले हम करेंगे ये जो डिविडेंड देना है उसके लिए प्रोविजन करेंगे। प्रोविजन करेंगे तो प्रोविजन कहाँ से होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से ही होगी, PNL में से एंट्री नहीं होगी। कहाँ से होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो मेन हमारा अकाउंट है यहाँ चैप्टर का, वो। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से हम वो अमाउंट लेके आएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट में। यस, और अब प्रेफरेंस डिविडेंड ये पहले हमने प्रोविजन की, प्रोविजन करने के बाद पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट में या तो हम उनको कैश दे सकते हैं, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, और अगर हम कैश नहीं दे रहे उनको भी क्या कर रहे हैं? इक्विटी शेयर दे रहे हैं। यस, तो इक्विटी शेयर आ जाएगा। वो आपको एडजस्टमेंट में जैसा बोला होगा उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है?
और उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हमें ट्रांसफ़र करके कहाँ लेके जाना है, कैपिटल रिजर्व में। जैसे हम डिबेंचर रिडक्शन फंड जनरल रिजर्व में लेके जाते थे, वैसे ही यहाँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करके कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे। ओके, यहाँ मैंने एक एंट्री नहीं लिखी है, पर आपको याद होगा जब हम डिबेंचर की जो हमारी लायबिलिटी कम करते थे तो ऐसा उन्होंने बोला था कि कंपलसरी उतनी अमाउंट पीएनएल में से जनरल रिजर्व में लेके जानी है। तो कई अगर आपको शॉर्ट सम पूछते हैं, सिर्फ आपको जनरल एंट्री ही पूछते हैं, तो आपको ये एंट्री पास करनी होगी। यस, और अगर आपको पूरा सम पूछते हैं, आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, आपको पूरी ये बैलेंस शीट बनानी है, तो ये एंट्री कंपलसरी नहीं है। कई बार आप देखोगे तो सम्स में ये एंट्री पास की होगी, कई बार नहीं की होगी, तो वो उन्होंने ऐसा ऑप्शनल छोड़ दिया है, करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। पर अगर आपको शॉर्ट सम पूछते हैं सिर्फ जनरल एंट्री के बारे में, तो आप वो एंट्री करोगे, क्या करोगे, पीएनएल में से कैपिटल रिजर्व में उतनी अमाउंट लेके जाओगे। ये ज़्यादातर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं बनता है तब होगी। यस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं बनता, सिर्फ रिडक्शन करते हैं तब ये हम एंट्री करते हैं पीएनएल में से कैपिटल रिजर्व में उतनी अमाउंट लेके जाते हैं। ओके, तो ये जो बेसिक है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये आ जाएगा, ये एंट्रीज आपको मगज में फिट हो जाएगी एकदम अच्छे से, तो ये सारे सम्स आप इजीली कर पाओगे। ज़्यादातर इसमें कुछ है नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट जनरल एंट्रीज का है, वो आपको अच्छे से आ गई, तो आप ये सम्स अच्छे से आसानी से कर पाओगे। ओके, तो पहले ये वीडियो देख के आप ये सारी जनरल एंट्रीज अच्छे से समझ लेना। अगर जनरल एंट्री में आपको कोई डाउट है तो पहले आप जनरल एंट्री के रिलेटेड डाउट पूछ लेना, और उसके बाद ही दूसरे जो सारे वीडियोज़ है कैपिटल रिडक्शन के वो देखना, और फिर सारे सम्स है वो करना। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ जनरल एंट्री ही मैंने समझाई है। नेक्स्ट वीडियो से हम है वो सारे सम्स शुरू करेंगे। ओके, सो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर ये सारे जो आप वीडियो देख रहे हो आपको पसंद आ रहा हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हो, सो प्लीज़ ये जो वीडियो आप जहाँ से देख रहे हो वो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी आप दबा देना, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आए तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। और जो भी आप वीडियो देखते हो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।